दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस लेके आया हूँ। तो पहले हम चलते हैं उस केस की पूरी डिटेल पशुपालक के घर से जानते हैं, उसके बाद हम इलाज के बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं हाजिर होता हूँ वापस। बिल्कुल नहीं सूखेगा। शुरुआत से बताओ, इसको पहले तकलीफ कब हुई थी? 15 दिन। 15 दिन से बीमार है ना, तो शुरुआत में क्या देखा आपने? अरे मुरा डालो भाई। चारों कम खा रही। अच्छा, चारा कम खा रही थी है ना। और ब्याई हुई कब की है? 1.5 से 7 महीने। 7 महीने की ब्याई हुई। वापिस गया भी ना? 2-1 महीने। अरे भाई तू वहाँ कैसे चढ़ा है यार? 2-1 महीने गया सर। वहाँ कोई बात नहीं, बैठ रहे। हाँ, 2 महीने की गैप भी ना है ना, ठीक है। और दूध वगैरह बराबर दे रही है? दो सही बात है। हाँ खींचो 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 खींचो। गया अपनी का आप बिल्कुल मर्डर हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अरे टेम्परेचर लेना भाई कितना आ रहा है ये देखिए। यार नथुन है तो बिल्कुल आगे से तो गीले हैं, नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो पहले ही आ रहा था या आज ही आ रहा है? तो पानी को तो मैं ध्यान वन भी थोड़ा बहुत ही। अच्छा थन में क्या बता रहे हैं, थन में क्या प्रॉब्लम हुई है? दो थन में सूजन है ना। तो मैं अच्छा फटाफटा सा दूध आ रहा है? दो में सही आ रहा है। दो में फटाफटा सा आ रहा है, ये बात है। तो किन में सही आ रहा है, किन में फटाफटा आ रहा है? अच्छा ये जिसमें सूजन है, तो ये सूजन कब आई है? 2 दिन होगा। अच्छा 2-4 दिन से ही आई है ना, यानी 15 दिन से कम खा रही थी लेकिन ये सूजन 2-4 दिन से ही आई है। हाँ इधर वाले में है, बिल्कुल इधर वाले आगे वाले में है, उधर वाले पीछे वाले में है। हाँ ये बात है। तो थनों में सूजन भी है और टेम्परेचर थर्मामीटर बता रहा है 99.9। अभी चल रहा है, देखो कितना आता है, 100 हो गया। तो इतना ही रहेगा लगभग। लुमिनल मूवमेंट देखो यानी। हाँ दबा के रखो 40 सेकंड तक। गैप नहीं की कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध इन दिनों में कितना कम हो गया? जब 15 दिन से नहीं खा रही तो दूध तो कम हुआ ही है। तो कम हुई है सर, सारा कम खा रही है, दूध तो कम हो गई। 2 दिन में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है ना खाना पीना। हाँ, कोई मुंडा मारे हैं कहीं फंटो। गोबर गोबर कैसा कर रही है? ये गोबर इसी का है क्या? अब गोबर तो आपने रेत मिला दी तो क्या पता चलेगा इसमें। मतलब गोबर में कोई म्यूकस आना, जलमस आना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं है। रूमिनल मूवमेंट भी इसमें नहीं है। अब देखिए रूमिनल मूवमेंट है नहीं और टेम्परेचर नॉर्मल है। और आज जुगाली करते हुए देखा क्या आपने इसको? हाँ नहीं, जुगाली है ना, जुगाली कर रही है ना, थोड़ा बहुत जुगाली कर रही है। ये मामला ठीक है, पैसा आपकी तरफ से ठीक है। 2 महीने की प्रेग्नेंट है ना, 2 महीने की प्रेग्नेंट है। चलिए ये मामला है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो भाई लोगों, आप लोगों ने पूरा केस देख लिया कि इसमें एक्चुअली है क्या। इसमें थनों में सूजन आ रखी है, 2 थनों में। तो हमें इलाज जब भी हम करवाते हैं उस समय हमें 2 बातों की तरफ ध्यान में रखना होता है। या पहली चीज़ ये देखनी होती है कि भाई इसके कहीं पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये चीज़ कवर होगी। दूसरी चीज़ होगी कि इसको थनेला क्यों हुआ है। देखो दोनों केस, पेट की बीमारी और थनेला, जब दोनों जुड़ते हैं ना वहाँ पीएच डिस्टरबेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि पहला काम यहाँ पर जो किया जाएगा वो किया जाएगा पीएच का, नंबर वन किया जाएगा पीएच, यानी रूमन की पीएच क्या है। अगर रूमन की पीएच मान लीजिए कम है तो जाहिर है एसिडोसिस है, और ज़्यादा है तो एल्कलोसिस है। तो पहला काम पीएच के हिसाब से किया जाएगा। अगर कम है तो मीठा सोडा दिलवा दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो भाई जामुन का सिरका दिलवा दिया जाएगा। पहला काम यहाँ पर यही होता है। तो यहाँ मीठा सोडा
या जामुन सिरका। पहली चीज ये यहां पर ये हो गई। अब इस केस में जब देखा गया तो पीएच डाउन थी, तो डाउन पीएच थी तो मीठा सोडा यहां पर उनको बोला गया कि आप 50-50 ग्राम मीठा सोडा देना शुरू कर दीजिए। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, जब सूजन आ चुकी है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए जनरली क्या किया जाता है, ये तो पहला इलाज हो ही गया है। और दूसरा, सूजन आई गई है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जानने से पहले एक बात आप लोगों ने नोट की होगी और वो थी कि वो काफ़ी दिन से बीमार है। इसका मतलब उसकी डिवॉर्मिंग और लिवर टोनिक की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला काम ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग प्लस लिवर टोनिक। चलिए, ये चैप्टर भी हो गया फिनिश। डिवॉर्मिंग हो गई, लिवर टोनिक लिख दिया गया, तो लिवर टोनिक वो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ना कोई डाइजेस्टिव बोलस दी जाएगी, तो डाइजेस्टिव बोलस जैसे यहाँ पर दी गई बोलस एसएनएलआई, तो एसएनएलआई बोलस को डाइजेस्टिव के तौर पर दिया गया, दो दो गोली सुबह शाम दो दिन, 2 BD × 2 डे। तो ये एक नॉर्मल सा इलाज यहाँ पर हो गया। अब जनरली क्या किया जाता है, जनरली जो चार चीज़ें फॉलो की जाती है एज ए इंजेक्शन, वो तो फॉलो करनी ही होती है। और एज ए इंजेक्शन कौन कौन सी चीज़ें लगेगी वो बताने से पहले एक बात यहाँ पर और कवर कर लेते हैं, और वो चौथी बात है पाउडर मस्टी किट, यानी मेस्टाइटिस वाले जो भी किट होते हैं ना वो भी यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सूजन आ रखी है और कल को ये थनेला आगे भी बढ़ सकता है, दूध में कमी भी हो सकती है, कई प्रकार की दिक्कतें होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मस्टी किट जो मेस्टाइटिस के लिए आते हैं, मेमिडियम हो सकता है, मस्टी किट खुद नाम से हो सकता है, MNM हो सकता है, कोई भी नाम से हो एक ज़रूरी है। जैसे 50 ग्राम के यहाँ पर इसमें 3 दिन, रोज़ 50 ग्राम करके 3 दिन यहाँ पर दिलवानी होती है। तो ये हो गया कम्प्लीटली यहाँ ट्रीटमेंट। अब अगर हम बात करें इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शन में देखिए पूरी तरीके से नॉर्मल, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है, तो टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन थनों में सूजन है, तो थनों में सूजन के लिए नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर पर थन के सूजन के लिए एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और वो एंटीबायोटिक कोई सा भी हो सकता है, जैसे इंटासेफ हो गया, इंटासेफ 4 ग्राम, तो इंटासेफ 4 ग्राम हो गया इस केस के मद्देनजर रखते हुए। सेकेंड इंजेक्शन में अगर देखें तो मैग्लूटाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैग्लूडाइन, तो मैग्लूडाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे केसेस में। अगर मैग्लूडाइन दिया जाए तो भाई रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैग्लूडाइन 20 ml ऐसे केसेस में यूज़ करवाया जा सकता है। थर्ड नंबर पर वही जनरल ट्रीटमेंट, बी कॉम्प्लेक्स और CPM, बी कॉम्प्लेक्स जनरली यूज करवा सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में बेलामिल यहाँ अच्छा वर्क करता है, तो बेलामिल का इस्तेमाल यहाँ हो गया, प्लस जीट साथ में जुड़ गया 10 ml, तो बी कॉम्प्लेक्स भी हो गया और जीट भी साथ में 10 ml जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए विशेष बात और सुनने की है, और वो बात यह है कि कमज़ोर है, तो कमज़ोरी तो है ही, ऊपर से थनेला और है, तो V5 इंजेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। इंजेक्शन V5 और ये सिर्फ और सिर्फ 5 ml इंट्रामस्कुलर यहाँ पर लगवाया जा सकता है। ये भी इंट्रामस्कुलर, ये भी इंट्रामस्कुलर और ये भी इंट्रामस्कुलर, इस तरीके से ऐसे केसेस को हैंडल करके और ठीक किया जा सकता है। अगर आप विस्तार से ऑल ओवर चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारा रामावत एनिमल ऐप आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर वेट क्लास जो है वो इसीलिए बनी हुई है कि ऑल ओवर चीज़ें वेट क्लास में वहाँ पर कवर होती है। तो रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं।